आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को देखते हैं। चलिए ये देखिए, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को जब मैंने देखा, एक सेकंड गाइस वेट करिए, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, एक शार्प रैली आई, उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला गया, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये हमारे लिए एक डिमांड था जो कि यहाँ पर बाइंग आ रही थी, ये हमारे लिए एक सेल था यानी कि यहाँ पर सप्लाई का काम हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे थे सेलिंग आ जाती थी, ये देख रहे हैं। उसके बाद क्या करा मार्केट ने, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब मार्केट दोबारा आज ही वाली कैंडल ने इसे रीटेस्ट करा, 132 तक गया। शायद हमने कल अपने यूट्यूब पे भी कहा था 132 पे आया तो बाय करना। उसके बाद दोबारा ऊपर जा रहा है, ये देख रहे हैं। तो यानी कि पहले जो ये लाइन डिमांड का काम कर रही थी, अब ये वाली लाइन क्या बन गई, सप्लाई का काम कर रही थी, अब ये वाली लाइन बन गई है डिमांड। तो वेट करिए एक बार, मुझे लगता है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर मैं इसके, अगर अब डेली चार्ट में जाता हूँ और यहाँ पर इसे जूम करता हूँ, ये देख रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये वाली कैंडल है, यहाँ पर इस वाली कैंडल ने इसे ब्रेक करा और ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दे दी। अब गाइस साहब आप देख रहे होंगे कि इसने 132 के ऊपर ब्रेक करा और 137 के आसपास जाके इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि 5 रुपए की क्लोजिंग दी है। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पर इसने कम से कम 4.5% का, 4.5% का, 4.5% ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, ब्रेकआउट से 4.5% ऊपर जाके क्लोजिंग दी है गाइस। तो अब आप देख सकते हैं बहुत बड़ी क्लोजिंग है। अब हम वेट नहीं कर सकते कि इसके ऊपर जाने का वेट करें, इसके ऊपर जाने का बंद करें, अब हमें इसी लेवल पे बाय करना होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर इतनी बड़ी मूवमेंट आ जाएगी ब्रेक करने के बाद, तो फिर हम ये थोड़ी ना वेट करेंगे कि यहाँ पर बाय करें, इतना बड़ा तो हमारा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी ना मेंटेन करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ब्रेक करे तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इतनी बड़ी जो मूवमेंट आई है, अब इतनी बड़ी मूवमेंट में हम कैप्चर नहीं करेंगे कि हम वेट करें कि इतनी ऊपर जाएगा। हमें अगर इस लेवल के आसपास मिल जाएगा तो भी हम अपनी एक बाय पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इंट्राडे में भी अभी इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्ट अपने यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। टारगेट क्या निकल के आ रहा है वो मैं टारगेट आप लोगों को बताता हूँ। टारगेट आप देख रहे हैं ये वाला टारगेट है गाइस, ये टारगेट है जो निकल के आ रहा है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का, ये रेंज है, ये रेंज निकल के आ रही है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की। तो प्रोबेबली यहाँ से छू के भी रिवर्स कर सकता है और बीच में कहीं पर भी आके रिवर्स कर सकता है। तो एक बार ये टारगेट है, ये टारगेट को आप मेंटेन कर सकते हैं, जो कि मिनिमम टारगेट निकल के आ रहा है 143 से लेके 150 का। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वेट करेंगे इस पर, हम ध्यान देंगे। और कौन से स्टॉक्स बनते हैं, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस देखिए गाइस कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, 5.5% ऊपर ये पहला टारगेट हिट कर चुका है। मैंने आपको बताया पहला टारगेट, ये देखिए पहला टारगेट हिट कर चुका है और 1 रुपए ऊपर था जब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, अब 7.5 रुपए ऊपर है, ये हमारा टारगेट है, ये पहला टारगेट को हिट कर चुका है। अब दूसरा टारगेट आता है 149 का और तीसरा टारगेट आता है 152 का, चौथा टारगेट आता है 158 का। तो ये बीच में कहीं पर भी घूम सकता है, तो वेट करिए, पहला टारगेट हिट हो चुका है। तो इस हिसाब से हमारा देखिए काम बना, सिर्फ हमने क्या करा, नीचे आई मार्केट, ये चैनल पे आई, चैनल का ब्रेक करा यहाँ पे और हमने बाय पोजीशन बना ली और ऊपर चला गया। अब इसी को अगर मैं डेली चार्ट पे देखता हूँ, ये देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कोई बात नहीं, ये देखिए इसके ऊपर हम बाय कर लेते हैं 136, वो भी भाई हमें कम से कम 7 रुपए मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक चूज करते हैं,